है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो ब्लॉग वीडियोस। तो आप जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं बनाया हूं, और मेरा ब्लॉगिंग नहीं बनाने का कारण है मेरा फ़ोन ख़राब था। मैं जो ये जो फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूं वो फ़ोन ख़राब था, उसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं बनाने के लिए बाहर निकला हूँ, फ़ोन ठीक कर लिया है मैंने, परसों ही फ़ोन को ठीक किया है। तो मेरे साथ जा रहे हैं हिबू मिलो, मेरे दोस्त जो कि क्लास 7 में मिला था हम लोग। इसके बाद अभी हम लोग इधर से निकल के हम लोग जाएंगे पेचीपुटू, और मान नहीं पेचीपुटू जाएगा कि नहीं, लेकिन हम लोग जाएंगे घूमने जहाँ फ्रेश से कहीं बैठ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दोस्त बोल रहे हैं कि उसे कपड़ा खरीदना है, तो चलते हैं विशाल की ओर। पहले विशाल से कपड़ा सपड़ा ले लेते हैं, उसके लिए जो लेना है मैं कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग निकलते हैं जहाँ डेस्टिनेशन हम लोगों को जाना है। डेस्टिनेशन तो चॉइस तो नहीं किया है, लेकिन जहाँ हमें फ्रेश लगे वहीं बिताएंगे। सो हमने ले लिए हैं कपड़े और दोस्त ले, तो अभी हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की। सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में। वो दूर है मेरी नजरों से, क्यों उसे मैं चाहूं। सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका। तो अभी हम लोग जाएंगे आगे तरफ, कहाँ जाएंगे वो तो डेस्टिनेशन मालूम नहीं, जहाँ बैठ सके आराम से उधर तक भी हम लोग बैठेंगे। तो लोग आज ब्लॉगिंग बना रहे मालूम नहीं। तो गाइस मेरा यहाँ से इतना आवाज सुनाई नहीं देगा क्योंकि हवा दे रही है। तो चलो जाके बोरंग किले में बैठते हैं मजा से थोड़ा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोरंग किले, लेकिन बोरंग किले तो नहीं पहुंचे, वही जगह पहुंचे जहाँ मैं पहले में वीडियो बनाया था। तो गाइस देखिए सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर। इंसान यहाँ में जो भी आते हैं वो पसंद करते हैं जीरो में रहना, क्यों? क्योंकि यहाँ का वेदर और यहाँ का जगह देखने में बहुत सुंदर है, उसी के कारण पसंद करते हैं यहाँ रहना। या दस मच। सो गाइस अभी
आ गया है वो अंकल पे, लेकिन मेरा बाल पे ज्यादा जज मत करो क्योंकि मेरा बाल में लंबा पालना पसंद कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, क्योंकि रॉक स्टार बनेगा ऐसे तो नहीं। नहीं, तू बाल लंबा में एकदम हैंडसम दिखते रहे। थैंक यू। ऑडियंस तो भी बोलेगा होगा लाइक बाल काटो काटो काटो। नो मैम, क्योंकि मैं खुद ही बाल लंबा पालना चाहता हूँ। ओके, हिंदी में इतना परफेक्ट तो नहीं है, अपना लोकल लैंग्वेज ही बोलेगा। अपनी लोकल लैंग्वेज लाइक पता नहीं तो नहीं बोलेगा, हिंदी बोलेगा, लेकिन हिंदी में भी लोकल ही आता है। हमका हिंदी एकदम मस्त है, इसका हिंदी एकदम बकवास है, तो मेरे को थोड़ा तारीफ दीजिए। मैं पता नहीं, मैं बोलूँ तो अपना लैंग्वेज में, यहाँ बोरंकले में आया हूँ बोलेगा तो ये बोलेंगे वो सो बोरंकले आ दो वो उन्होंने मैं बोरंकले का किनू पा दूँ वो चलो वो बोरंकले सोचे पाके आ दूँ ने वो नहला एक उसमें बीप। सो गाइस, ये रहा बोरंकले। इतना गंदा यहाँ फेंकते हैं लोग, लेकिन भी लोग इधर नहाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों मालूम नहीं, बचपन में क्या बोलेंगे, बचपन में मैंने भी इधर नहाया था, गंदा देखा तो है लेकिन भी नहाया था। अभी सोचते मैम रिलैक्स। यस, एकदम खाने का आवाज भी एकदम झनझना, हवा भी एकदम खाया। और तेरा जूता वाइट उधर है गंदा, और आसमान है नीला नीला। जरा मैं भी लेके देखूं। तू भी ले जा, आजा। उनको बैग को यहाँ रुक जाना, देखो ये कहीं ना कहीं मेरा फ्लैट है। लेट्स सी। ओके, क्या कर रहे हैं? नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो लेट रहा है ना उसे। क्या है ऐसा बोलने का रे? वाह, क्या दिन है रे यार। अरे पेप्सी उल्टा कर दी मैंने, हाथ भी उल्टा हुए। अब पेप्सी पियेंगे बमिन ठंगू के साथ। आलू पराठा जीरो का, ये पॉइंट में बहुत कम दाम में मिल रहा है। वो पॉइंट जो है ना रास्ता का दाम, एक न्यू होटल खोला है उधर, छोटा है होटल, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा हो या बड़ा, लेकिन इसका दाम है आलू पराठा के सिर्फ 30 रुपीस। वाओ, कपोली तरफ में जाते हैं 40 रुपीस 50 रुपीस, तो उधर तरफ में सिर्फ लाइक 30 रुपीस। एंड हमने लाए हैं हाजमोला भी, मुझे हाजमोला खाना बहुत पसंद है। अरे इधर तो सब्जी भी है, इधर तो हम खाने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं पराठा का एकदम। हम लोग चम्मच लाना भूल गया तो क्या करेगा? अरे हाथ तो है, कहाँ है चम्मच? तो ठीक है, आप लोग टेस्ट करते हो, हम लोग थोड़ा सा खा लेते हैं एकदम मस्त। चल टेस्ट किया जाए। वाओ गाइस, देखो वहाँ का आलू पराठा, आलू तो बहुत है, काफ़ी है, 30 रुपीस में अच्छे ही है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं बोरंकले से। ओह, मेरा चेन खुला हुआ है, तेरे कुछ चेन को बंद कर दो। क्या है, ध्यान रखना है। ध्यान रखने का कोशिश करते लेकिन क्या कर सकते, दिमाग से भूल जाता ना क्या। सो गाइस, अभी हम लोग बोरंकले से निकल गए हैं, निकल के अभी हम लोग जाएंगे हम कहाँ, पेची पुतू में तो थोड़ा सा सुकून से बैठेगा, क्योंकि यहाँ का जो साउंड है पानी का साउंड मुझे एनोइंग कर रहा है, एनोइंग दिमाग ख़राब कर रहा है। मुझे एक ऐसा सुकून जगह चाहिए तो थोड़ा नहा लेता यार। नदी को हर समय सफा रखना चाहिए, नेचर है ऐसे ही है ना। सही है, लेकिन क्या कर सकते, यहाँ का नेचर को पूरा हम लोग इंसान लोग ही ख़राब कर चुके हैं। जो कि ये पानी पहले मैं सुना था कि पीने का लायक था, ओके इंसान लोग यहाँ से उठा उठा के पीता था कि सुनो, लेकिन अभी तो क्या इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि डाइपर, कुत्ता मरा वाला, गौड़ी मरा वाला सब कुछ फेंकते हैं इधर, प्लास्टिक पेपर। जमाना बदल चुके हैं, लेकिन ये इंसान बहुत डेवलप हो चुका है कि
गंदगी और बढ़ रहा है, जितना डेवलपमेंट बढ़ रहा है उतना गंदगी बढ़ रहा है गाइस। ये चीज़ पसंद नहीं मुझे, डेवलपमेंट ठीक है लेकिन गंदगी तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पेचीपुटू, तो यहाँ का व्यू देने के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं, लाइक यहाँ में तो सुकून मिलेगा क्योंकि यहाँ नो साउंड ऑफ वाटर, किड्स लोग खेल रहे हैं इधर लेकिन उसके साउंड तो सुन सकते हैं। और उधर में गाड़ी क्या के लिए खोल के इतना म्यूजिक बजा रहे हैं, उन्होंने क्या पार्टी मना रहा था, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपने को एक जगह देखना है सुकून से। गाइस वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस इज देयर, बट वहाँ में आदमी लोग बहुत ज़्यादा है, गाड़ी वाड़ी तो वही शाम हो गया, जगह ढूंढना पड़ेगा। चलो तो वहाँ तक उनसे बैठने जाएगा ना, वो बैठने उनसे फिर फिल्म तो वन वो वाला फिल्म हो गया। उधर तो एकदम फ्री में घुसता है, पैसा देख के क्यों घुसा रहे? नहीं वो वाला फिल्म नहीं, हाँ ये अंदर तक जानते थे ये गाँव में होते होते। चलो ठीक है, दिमाग में पुराना पुराना चीज को याद करने से बहुत दिमाग खराब करता है। क्या कुछ कुछ याद करने से बहुत रोने का मन भी करते है, लाइक मेरो या हसूं करूं मैं क्या करूं, ये वाला मेरे दिमाग में।